हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पाव भाजी। वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट फूड है ये, आई बिलीव सभी लोग इसे पसंद करते हैं। और मेरा मानना है कि इसका कोई टाइम नहीं है खाने का, जब आपका मन करे चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, स्नैक्स में खाइए, लंच डिनर, जब भी आपका मन हो आप इसे खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज इस स्ट्रीट फूड को घर पे ही बनाते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए ये मैंने हाफ कप मटर लिए हैं, एक मैंने गाजर ली है उसको मैंने धोके काट लिया है, एक मैंने आलू लिया है उसको भी मैंने धोके काट लिया है, और ये मैंने एक कप गोभी ली है धोके, इसको मैंने उबाल लिया है थोड़ा सा ताकि अच्छे से साफ हो जाए, और हाफ कप मैंने बीन्स ली है। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम इन सब्जियों को उबालेंगे। हम सब्जियों को उबलने देते हैं, फुल गैस पे ही हमें दो या तीन विसल लगवानी है। चलिए, स्टीम निकल चुकी है प्रेशर कुकर की, अब हम सब्जियों को निकाल लेते हैं एक बाउल में। देखिए, उबल चुकी है तो मैंने सारी पाव भाजी की तैयारी कर ली ही है। तो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने सब्जियां उबाली थी, वो अलग से बाउल में ठंडी हो चुकी हैं, और ये हमने लिया है गरम मसाला, नमक हम स्वाद अनुसार यूज करेंगे। ये है पाव भाजी मसाला, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ये है देगी मिर्च, ये मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। ये है हल्दी, हल्दी को मैंने 1/2 चम्मच लिया है। हरा धनिया लिया है, लहसुन अदरक को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, हरी मिर्च ली है 2, और ये मैंने रफली चॉप कर लिया है टमाटर को, 2 टमाटर लिए हैं, और एक मैंने प्याज लिया है, और ये मैंने बटर लिया है। बटर हम खूब यूज करेंगे, बिना बटर के पाव भाजी अच्छी नहीं लगती और ना ही कोई ज्यादा टेस्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम पाव भाजी बनाना। तो भाजी बनाने के लिए सबसे पहले मैं करती हूँ गैस को ऑन। गैस को कर देते हैं ऑन, और अब हम डालेंगे इसमें बटर। बटर के मेल्ट होने के बाद हम डालेंगे इसमें, बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। फिर डालेंगे टमाटर, थोड़ा सा टमाटर को पका लेंगे पहले। अब डालेंगे हम उबली हुई सब्जियां, डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ी देर इनको पकने देंगे ताकि जो मसाले का पाव भाजी का फ्लेवर है मसाले का इसमें आ जाए।
अब इस मैशर की हेल्प से हम सब्जी को मैश करेंगे। अब मैश करी हुई सब्जियों को मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम पाव भाजी की तड़के की तैयारी करते हैं। अब हम लगाएंगे भाजी को तड़का, गैस ऑन करते हैं। अब हम डालेंगे बटर, बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर हो गया है मेल्ट। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ, आप चाहे तो लहसुन अदरक को स्किप भी कर सकते हैं, मुझे लहसुन अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है भाजी में, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब हम डालेंगे प्याज, प्याज को थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, डालेंगे हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक हम पहले थोड़ा डाल चुके हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अगर आपको वो नमक बिल्कुल ठीक लग रहा है, टेस्ट बिल्कुल ठीक है नमक का, तो आप नमक को रहने दे सकते हैं। अब हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, अब डालेंगे मैश करी हुई सब्जियां, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, देखिए भाजी बनके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, बिल्कुल बाहर जैसी भाजी बनी है। तो चलिए अब हम पाव को सेक लेते हैं, गैस कर देती हूँ बंद। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पाव को कट इस तरीके से। इस तरीके से हमें पाव को कट करना है। अब करते हैं गैस को ऑन। अब डालेंगे हम बटर, Thank you.
इसको मेल्ट होने देंगे। इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा, अब करेंगे पाव को गरम इस तरीके से। पलट देंगे अब हम उनको। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुकी है पाव भाजी। घर पे ही हमने बिल्कुल बाहर जैसी पाव भाजी बना के तैयार कर ली है, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपकी पाव भाजी कैसे बनी है। और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।